चीजें जो इनके ऊपर विपरीत प्रभाव डालती हैं उनको नहीं रोका गया तो ये जो सूखे जातियां हैं ये संकट ग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। सूखे जातियों में कौन कौन शामिल हैं? नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नंबर 4 पर दुर्लभ जातियां कि इन जातियों की संख्या बहुत ही कम है। अगर इनकी संख्या और भी कम हो जाएगी तो ये भी जो है वो संकटग्रस्त या सूखे जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इनमें माल्य का पूरा वायु और जंगली एशियाई भैंस शामिल है। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां कौन सी होती है? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां जो वो स्थानिक जातियां कहलाती हैं। ये किसी स्थान विशेष पर पाती है। इन मृगों को बाली कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर आदि शामिल हैं। और लास्ट में हम नंबर 6 पर पढ़ेंगे दुग्ध जातियां कि जो जातियां उनके रहने के आवासों में खोज करने पर वहां नहीं मिली अर्थात अनुपस्थिति उनकी जो है वो दाखिल की गई तो उसमें हम क्या कर शामिल करते हैं? इसमें जो है वो एशियाई चीता, गुलाबी से वाली बत्तख शामिल हैं। और ये जो जातियां हैं ये स्थानीय क्षेत्र से, प्रदेश से, देश से, महाद्वीप से या पूरी पृथ्वी से भी गायब।